अच्छा ये बताइए, आपको सुबह नाश्ते में क्या खाना पसंद है? भाई मुझे तो पराठे खाने बहुत पसंद है, लेकिन रोज रोज पराठे? पराठे का नाम सुनकर लगता है ना भाई वेट बढ़ जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आपके पराठे का प्यार रहेगा बरकरार। मैं बना रही हूँ आज आपके लिए 4 टेस्टी और हेल्दी प्रोटीन रिच पराठे। अच्छा, यूजली जब हम स्टफ्ड पराठे बनाते हैं ना, तो क्या होता है, पराठे फटने लग जाते हैं। कम घी के साथ अगर आप पराठे बनाएं तो पता चला पराठे क्रिस्पी नहीं होते हैं, और कभी कभी तो पराठे तवे से भी चिपकने लग जाते हैं। तो हमेशा की तरह आपको बताऊंगी कुछ खास टिप्स इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आप भी तैयार हो जाइए इन हेल्दी पराठों को अपने डेली ब्रेकफास्ट का हिस्सा बनाने के लिए। और हाँ, आप कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि इन चारों पराठों में से आपको सबसे अच्छा कौन सा पराठा लगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ओट्स पनीर पराठा के साथ, और आप नोट कर लीजिए पहले इसके इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक बहुत ही डिलिशियस स्टफ्ड पराठा, वो भी ओट्स और पनीर का। दूसरा होगा दाल का पराठा। तीसरा पराठा बनेगा एक एग पराठा, और चौथा पराठा सोया पराठा। सो गेट रेडी फॉर अ वेरी डिलिशियस एंड न्यूट्रिशियस ओट्स पराठा, जिसके लिए मुझे सबसे पहले बनाना होगा ओट्स का एक पाउडर, यानी कि ओट्स का आटा। बहुत सिंपल, ओट्स लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए, और बस हो गया तैयार आपका ओट्स का आटा। तो ये हमारा ओट्स का आटा रेडी हो गया। इसमें मिलाएंगे हम गेहूं का आटा। जितना हमारे पास ओट्स का आटा है, उतना ही हम इसमें गेहूं का आटा भी मिला लेंगे। पहले तो थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं, और ऐड करूंगी इसमें एक चुटकी अजवाइन। दोनों आटे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आवश्यकता अनुसार इसमें ऐड करते जाएंगे पानी, और इसका एक सॉफ्ट और स्मूथ डो प्रिपेयर कर लेंगे। ऐसा करने से आपके पराठे फटेंगे नहीं। तो आटा रेडी हो जाएगा ना, तो इसको 20 मिनट के लिए मैं ढक करके छोड़ दूंगी रेस्ट करने के लिए, ताकि ये थोड़ा सा नरम पड़ जाए। तो जब तक आटा रेस्ट करता है, तब तक इसके लिए स्टफिंग बना लेते हैं, और उसके लिए पनीर ग्रेट कर लेते हैं। ऐसा करने से इसे स्टफ करना बहुत आसान हो जाएगा, और स्टफिंग जो है वो फटेगी भी नहीं, टूटेगी भी नहीं, फॉर द सिंपल रीज़न पनीर के कुछ बड़े पीसेज या छोटे पीसेज नहीं होंगे, सब इक्वली ग्रेटेड होगा। वंस यू ग्रेटेड द पनीर, इसमें ऐड करते हैं फाइन चॉप की हुई ग्रीन चिलीज, फाइन चॉप किया हुआ अदरक, फाइन चॉप किया हुआ कोरिएंडर यानी कि धनिया, और इसी के साथ साथ कुछ बारीक कटा हुआ प्याज भी। फिर एक बार मैं ले रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर भी, और इन सब को पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। स्टफिंग रेडी हो चुकी है, डो भी रेस्ट कर चुका है, तो चढ़ाया जाए अपना तवा। पराठे सेकूंगी मैं देसी घी के साथ, तेल के साथ नहीं, या रिफाइंड ऑयल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों? थोड़ा थोड़ा घी खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यकीन मानिए, आपकी ब्रेन को अच्छा फंक्शन करने के लिए घी की सख्त ज़रूरत होती है। अगर आप अपनी डाइट से फैट्स को बिल्कुल कट कर देंगे ना, तो आपकी ब्रेन श्रिंक कर जाएगी, और ये मैं नहीं कह रही, साइंस कहता है। तो पहले जो ये डो रेस्ट कर चुका है, इसे एक मिनट के लिए मैं और नीड कर लूँगी, ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। अब इसकी आप टेनिस साइज बॉल्स ब्रेक कर लीजिए, और इसे पहले थोड़े सूखे आटे से डस्ट कर लीजिए लाइक दिस। और अब टिप नंबर 1, कैसे इंश्योर करें कि आपके पराठे बेलते वक्त बिल्कुल फटे नहीं। तो एक तो तरीका आपको मैंने ये बताया ना, कि आपको आटा अपना ढीला गूंदना है। दूसरी बात ये कि जो स्टफिंग हमने बनाई है, उसके लिए पनीर को ग्रेट कर लिया है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप इसे स्टफ कैसे करेंगे। इसके लिए इस डो बॉल को मैं थोड़ा सा रोल आउट कर लेती हूँ। अब इसमें पहले तो अपनी स्टफिंग रख लीजिए। स्टफिंग रखने के बाद आप सारे एजेस को पिंच करते जाइए और इकट्ठा कर लीजिए, एंड में इसे ऐसे ट्विस्ट कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए। अपने हाथों में इस तरह से रोल कर लीजिए। अब इसे अपने हाथों से प्रेस कर दीजिए लाइक दिस। इसे फिर से एक बार सूखे आटे से डस्ट कर लीजिए। अब इसके साइज को अपने थंब और फिंगर्स के बीच में, अपने अंगूठे और उंगलियों के बीच में इस तरह से पहले दबाते चले जाइए, केवल साइज, ठीक है, बीच का नहीं,
तो ये कैसा लगने लग जाएगा? बिल्कुल वो फ्लाइंग डिस्क होता है ना, बिल्कुल वैसा। अब इसे अपने पाम से आप प्रेस कीजिए, फिर फिंगर से ऐसे स्प्रेड कर दीजिए। अब हल्के हाथ से इसे हम रोल कर लेंगे, भारी हाथ से मत कीजिएगा, नहीं तो इसकी स्टफिंग एक तरफ से दूसरी तरफ भाग जाएगी। तो ये देखिए, आराम से आपका पराठा रोल हो गया और इसकी स्टफिंग कहीं से निकली भी नहीं, पराठा फटा बिल्कुल नहीं। और एक मीडियम हॉट तवे पर हम अपना पराठा पका लेंगे, सेक लेंगे। अब एक प्रॉब्लम जो अक्सर आती है अगर आप लोहे का तवा इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो ये कि पराठा तवे पर डालते ही चिपकने लग जाता है, उसके लिए क्या किया जाए? तो ये है आपकी टिप नंबर 2। अगर आप लोहे का तवा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उसे इस्तेमाल करने से पहले 1 या 2 बूंद घी से साफ कर लीजिए, और इस सेम प्रोसेस को 1 नहीं 2 या 3 बार रिपीट कीजिए, ताकि आपका तवा अच्छे से सीजन हो जाए, और आप देखेंगे कि आपका पराठा तवे पे बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो क्योंकि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ नॉनस्टिक तवे का, इसलिए मुझे ये परेशानी बिल्कुल नहीं होने वाली। अब धीमी आंच पे हम अपने पराठे सेकेंगे, तेज आंच पे बिल्कुल नहीं, ताकि पराठे अंदर तक सिक भी जाएं और क्रिस्प भी हो जाएं। तो जब तक मेरा एक पराठा सिकता है, दूसरा पराठा बेल लिया जाए। पराठा जब एक साइड से ऐसे नीचे देखिए गोल्डन ब्राउन स्पेस पॉट्स आ जाएंगे ना, तो इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से क्रिस्प हो जाने देंगे। तो टिप नंबर 3, कैसे इंश्योर करें कि कम घी तेल में भी हमारे पराठे उतने ही क्रिस्प बने? भाई बहुत सरल सा तरीका है। पहली बात तो आप पराठों को धीमी आंच पे सेकिए, तेज आंच पे बिल्कुल मत सेकिए। ऐसा करने से वो अपने आप क्रिस्प होते रहेंगे। दूसरी बात, पराठों को दबा दबा कर सेकना है, ताकि जितना ये तवे के कॉन्टैक्ट में आएंगे ना, उतना बढ़िया से ये क्रिस्प होंगे। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि अगर हम अपनी पूरी फैमिली के लिए पराठे बना रहे हैं ना, तो थोड़े से पराठे इन एडवांस बना के रख लेते हैं, और बाद में क्या होता है, पराठे एकदम सॉगी से हो जाते हैं, पराठों में वो क्रिस्पनेस नहीं रह जाती। तो क्या किया जाए कि आपकी फैमिली को गर्मा गर्म क्रिस्प पराठे खाने को भी मिले, और आपको खड़े होकर घंटों बनाने भी ना पड़े, पहले से ही इन्हें तैयार करके रख सकते हैं। हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। इसका एक छोटा सा नुस्खा है मेरे पास, जो आगे जाके आपको बताऊंगी, वो देखिएगा ज़रूर, बहुत काम की चीज़ है। तो देखिए, जब ये पराठे ऐसे क्रिस्प होने लग जाएंगे, अच्छे से सिक जाएंगे, तब मैं डालूंगी इस पर थोड़ा सा देसी घी, बस ज़्यादा नहीं, थोड़े से देसी घी से भी यकीन मानिए बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ओट्स के आटे में ऑलरेडी प्रोटीन है, यानी कि ऑलरेडी ये एक अच्छा कलर और क्रिस्पनेस देगा मेरे पराठों को। इसे टर्न करते हैं और अच्छे से क्रिस्प कर लेते हैं। दूसरी तरफ भी लगाते हैं थोड़ा सा घी। तो ये लीजिए, पहला पराठा तो बातों बातों में ही सिक गया, अब दूसरा पराठा भी सेक लिया जाए। तो ये रेडी हो गए हमारे फर्स्ट पराठे, जो हैं ओट्स और पनीर के, ढेर सारा प्रोटीन और ढेर सारा टेस्ट भी। और अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड प्रोटीन रिच पराठे की तरफ, जो है दाल भरा पराठा। तो नेक्स्ट पराठा जो मैंने आपसे कहा मैं बनाने जा रही हूँ, वो है मूंग दाल का पराठा। अच्छा, इसके लिए ना मैं येलो मूंग दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ, और जानते हैं मैं पहले मूंग दाल को थोड़ी सी घी के साथ भून लूँगी। ऐसा करने से इसमें एक बढ़िया सा अरोमा भी आ जाएगा, खुशबू भी आ जाएगी, और यकीन मानिए इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आ जाएगा। इसी के साथ जस्ट अबाउट 1 टीस्पून ऑफ देसी घी। अब इस दाल को भून करके हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। अब देखिए, इसका कलर लाइटली गोल्डन होने लग गया है, हमें इसे भी थोड़ा और भूनना है। अब आ चुका है हमारी दाल में एक अच्छा सा गोल्डन कलर, देखा आपने? ये देखिए यहाँ पर ये ओरिजिनल दाल और भुनी हुई दाल का फर्क कैसे मेरे चम्मच पे अलग अलग दिखाई दे रहा है। अब दाल को होने देते हैं थोड़ा सा ठंडा, और इसके बाद इसको पीस करके इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। दाल को एक बोल में निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसका बहुत फाइन पाउडर मैंने नहीं किया है, इसे थोड़ा सा दरदरा ही रखा है। अब इस दाल में पानी डाल करके मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और 2 से 3 मिनट के लिए या तो इसे किसी पैन में कुक कर लूँगी, या फिर 2 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव कर लूँगी, ताकि ये दाल अच्छे से कुक हो जाए। अब इस दाल को थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, और आप नोटिस करेंगे कि ये सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेगी और एकदम से फूल जाएगी।
ऐड कर रही हूँ मैं इसमें रेड चिली पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी कसूरी मेथी भी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी स्टफिंग नंबर 2 रेडी। अब फिर से एक बार चढ़ाते हैं हम अपना तवा। अच्छा, इसके लिए आटा ना मैंने पहले से ही गूंद करके रख लिया है और ये आटा थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदा है मैंने। अब इस मिक्सचर में मैं ऐड करूंगी फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक, फाइन चॉप किया हुआ ग्रीन चिलीज, फाइन चॉप किया हुआ कोरिएंडर, अनियन। तो ये हो गई हमारी स्टफिंग रेडी, आटा ऑलरेडी रेडी है। नाउ वंस अगेन एक दो बॉल लेते हैं, इसे फ्लैटन आउट करते हैं और एग्जैक्टली वैसे जैसे हमने पहला पराठा भरा था ना, इसको भी भर लेते हैं। यानी कि पहले थोड़ा इसे रोल आउट कर लेते हैं और इसके अंदर रखते हैं अपनी स्टफिंग। स्टफिंग को इसके अंदर अच्छे से प्रेस कर दीजिए, इसे ऐसे प्लीट करके ऊपर से बंद कर दीजिए, इसकी टिप को घुमा दीजिए ताकि ये नीचे बैठ जाए। इसे रोल कर लीजिए, हाथों से दबा लीजिए, इसमें लगा लीजिए सूखा आटा और फिर इसे बेल लेते हैं। और अब एक मीडियम हॉट तवे पे डालते हैं हम ये स्पेशल वाला भुनी हुई मूंग दाल का पराठा। दूसरी तरफ से भी जब ये अच्छे से थोड़ा गोल्डन हो जाएगा ना, ऐड करेंगे इस पे आधा छोटा चम्मच घी। घी को इस पे अच्छे से फैला दीजिए और पलटकर इसे प्रेस कीजिए और बढ़िया से सेक लीजिए। तो देखा आपने, अगर आप धीमी धीमी आंच पे इस पराठे को सेकेंगे ना, तो ये पराठा भी कितना क्रिस्प बनेगा। तो ये हो गया हमारा पराठा नंबर 2 भी रेडी, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं अपने थर्ड पराठे की तरफ जो होगा एग स्टफ्ड पराठा। जल्दी से आप नोट कर लीजिए उसके भी इंग्रेडिएंट्स। तो अंडों को पहले मैं तोड़ करके फेंट लूंगी। अंडे में फिर से मिलाएंगे कुछ बारीक कटी हुई हरी धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, स्वाद के अनुसार डालेंगे इसमें नमक, थोड़े चिली फ्लेक्स भी। अब इन्हें अच्छे से फेंट लीजिए। सरफेस को मैं अच्छे से डस्ट कर ले रही हूँ। लेते हैं एक बड़ी सी लोई, इसे रोल कर लीजिए, सूखे आटे में इस तरह से प्रेस कर दीजिए। अब इसकी एक बड़ी सी रोटी बेलेंगे। तो जितना बड़ा आपका तवा होना, कम से कम उतनी बड़ी तो आप ये रोटी बेल ही लीजिएगा। और अब बस इस बड़ी सी रोटी को हम डालते हैं अपने तवे पर। इस रोटी को हल्का सा गर्म हो जाने देंगे हम और तब बीच में पोर करेंगे अपना प्रिपेयर किया हुआ एग मिक्सचर। इसे इमीडिएटली साइड से आप ऐसे पार्सल की तरीके से फोल्ड करते जाइए। तो ये देखिए, ये एक पार्सल के जैसे स्क्वायर में फोल्ड हो गया। अब इसे एक तरफ से धीमी आंच में सेकने देंगे, फिर पलट के दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। जब ये दोनों तरफ से गोल्डन होने लग जाएगा, ऐड करेंगे इस पे थोड़ा सा घी और घी के साथ इसे धीमी धीमी आंच पे प्रेस करके हम अच्छे से सेक लेंगे। तो ये पराठा तो बहुत बढ़िया तैयार हो गया। चलिए इसे कट करके आपको दिखाती हूँ अंदर से कितना अच्छा, कितना बढ़िया लग रहा है ये, देखा आपने। तो पराठा नंबर 3 भी डन। अब बढ़ते हैं चौथे पराठे की तरफ जो है सोया प्रोटीन से भरा पराठा। मैंने सोया ग्रैन्यूल्स को यहाँ ऑलरेडी सोक करके रखा हुआ है। इनको मैं ड्रेन आउट कर दूंगी और एक बार फिर से ताजे पानी के साथ वॉश कर लूंगी। अपने पैन में मैं लूंगी एक छोटा चम्मच घी। घी को थोड़ा गर्म हो जाने देते हैं और तब इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले तो फाइन चॉप किया हुआ अनियन, ग्रीन चिलीज, फाइन चॉप किया हुआ अदरक। इन सबको सौते कर लेंगे जब तक अनियन थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता। तो अब इसमें ऐड करूंगी मैं ये सोया ग्रैन्यूल्स, इनको अच्छे से स्क्वीज करके। सबसे पहले तो ऑफकोर्स ऐड करेंगे नमक, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़ी अजवाइन भी। टॉस दीज टुगेदर, मिक्स देम वेल। इन्हें थोड़ा सा भून जाने दीजिए और अपने बोल में इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। अब इसे पहले अच्छे से ठंडा हो जाने देते हैं। अब आखिरी अपने पराठे की रेसिपी तक हम पहुँच चुके हैं। तो ये तो बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो ऐसी बेहतरीन सी रेसिपीज आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। और हाँ, याद है ना आपको कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा
कि आज की रेसिपीज आपको कैसी लगी। तो अब रोल आउट कर लेते हैं अपना नेक्स्ट पराठा जो है सोया स्टफ्ड पराठा। इसे भी हम सील कर देते हैं। नाउ लेट्स रोल दिस आउट। एक मीडियम हॉट तवे पे अपने पराठों को सेक लिया जाए। तो लीजिए भाई, फोर्थ पराठा भी हो गया रेडी। और अब वो खास नुस्खा कि अगर आप अपनी फैमिली के लिए ढेर सारे पराठे बना रहे हैं तो कैसे इंश्योर करें कि पराठे जब आप बना बना कर रखें तो वो सौगी ना हो, नरम ना पड़े। तो करना ये चाहिए कि पराठों को आपको ऐसे हाफ कुक विदाउट द घी उतार करके रख लेना चाहिए। और जब सर्व करने की बारी आए तो पराठे को लीजिए वापस एक गर्मा गर्म तवे पर, लगाइए उस पर थोड़ा सा घी और तुरंत घी से सेक कर करके देते जाइए, जैसे कि मैं करने वाली हूँ। ऐसा करने से जानते हैं क्या होगा, आपका पराठा दो बार सिकेगा और दो बार सिकने की वजह से वो ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएगा। और हाँ, ये भी आप इंश्योर कर पाएंगे कि आपकी फैमिली को गर्मा गर्म पराठे तवे से उतरते हुए मिल रहे हैं, वो भी इतने क्रिस्प एंड इन नो टाइम, क्योंकि कुकिंग का टाइम तो आपने पहले ही बचा लिया। तो ये सारे पराठे हो गए अब रेडी। और इन सारे पराठों को ट्राई करने के बाद मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि इनमें से कौन सा पराठा आपको सबसे अच्छा लगा, या आपकी फैमिली कौन से पराठे से सबसे ज्यादा इंप्रेस हुई। और हाँ, इस बात की तो तसल्ली रहेगी ना हमको कि ये सारे प्रोटीन रिच पराठे हैं और बहुत थोड़े से घी में भी बने हैं और बहुत क्रिस्प भी हैं। तो बस ब्रेकफास्ट का ब्रेकफास्ट, टेस्ट का टेस्ट और हेल्थ मेंटेन्ड।